हेलो एवरीवन, आज की क्लास में वी विल डिस्कस सिमेट्री एंड सर्कल थ्योरम्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सर्कल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड देन वी विल डिस्कस द एंगल ऑफ सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हाउ टू फाइंड आउट द एंगल एंड देन वी विल डिस्कस फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंगल्स ऑफ सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बट बिफोर दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन टू रोटेशनल सिमेट्री एंड देन वी हैव डिस्कस्ड फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू रोटेशनल सिमेट्री। और ये भी सर्कल थ्योरम्स इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जो 4024 मैथ्स है उसके रोटेशनल सिमेट्री का ही एक पार्ट है, ये उसका सेकेंड लेसन है सर्कल थ्योरम्स, जिसमें यूजली कन्फ्यूजन रहती है। सो दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग द सर्कल थ्योरम्स। एंड इफ यू हैव मिस्ड अ लेसन यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बल्कि अगर आपने कोई भी लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द फीचर्स ऑफ सर्कल। द फर्स्ट वन इज सर्कमफेरेंस। सबसे पहले हम सर्कल की कुछ बेसिक टर्म्स देख लेंगे कि उस और उसको डिफाइन करना किस तरह डिफाइन करते हैं और उनका डिफरेंस देखेंगे, ताकि जब हम सर्कल थ्योरम के अंदर वो वर्ड्स यूज करें तो आपको पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सर्कल के अंदर सबसे पहले सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस को द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। द नेक्स्ट वन इज डायमीटर। डायमीटर the distance across the circle passing through the center of the circle. The next term is radius. Radius means the distance from the center of the circle to any point on the circumference is called the radius. The next term is chord. Chord is basically a line joining two points on the circumference. A line joining two points on the circumference. Now, chord will divide the circle into two segments. The smaller portion is called the minor segment and the larger portion of a circle is called the major segment. Arc. Arc is part of the circumference of a circle. Next one is tangent. What does tangent mean? A line which touches the circumference at one point only. Now let's discuss the properties of circles. When angles, triangles and quadrilaterals are constructed in a circle, the angles have certain properties. So we will discuss the properties of circles. When angles, triangles and quadrilaterals are constructed in a circle, we are going to look at four such properties before trying out some questions together. Let's say the first property is an angle on a chord. Now we have already discussed that a chord is a line joining two points on circumference. So this one is the chord. Now the first property is, now you can see here that the angle will not change. The angle, subtended angle by a chord will not change. An angle that sits on a chord does not change as the apex moves around the circumference. But remember one thing, that it should be in the same segment. So what we can say here, that the angle subtended by any chord will not be changed in a segment
ठीक है। नाउ ये देख सकते हैं आप कि फर्स्ट उसके अंदर अगेन यू कैन सी हियर दैट ये कॉर्ड है रेड रेड लाइन में। नाउ यू कैन सी अगर ये फर्स्ट पॉइंट के साथ 47 डिग्रीज बना रहा है तो आप इसको कहीं पे भी उस सेगमेंट सेम सेगमेंट के अंदर मूव करें सो इट विल नॉट इफेक्ट द एंगल। ठीक है, द एंगल विल रिमेन सेम इन दैट सेगमेंट। नाउ एंगल्स सबस्टेंडेड बाय अ कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दिस विल बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट एंगल्स सबस्टेंडेड बाय अ कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सबस्टेंडेड मीन्स कि आप उसकी जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उससे वो जो है आप उसको एक्सटेंड करें और वो इंटरसेक्ट करें सर्कमफेरेंस के ऊपर। सो सर्कमफेरेंस का मतलब एंगल्स सबस्टेंडेड बाय अ कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ इसमें हम यूजुअली जो ट्रिक यूज करेंगे वो कॉर्ड को ही ऑब्जर्व करेंगे। ऑल्दो कि आप इस आर्क को भी डिस्कस कर सकते थे कि आर्क के जो कॉर्नर पॉइंट होंगे वहां से किसी भी पॉइंट के ऊपर एंगल सेम होगा, बट वी विल नॉट यूज द ट्रिक ऑफ आर्क। वी विल डिस्कस, वी विल कंसिडर द ट्रिक ऑफ द कॉर्ड। सो एंगल सबस्टेंडेड बाय अ कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। From now on, we will only consider the chord, not the arc. Let's say this one is the first example, and you can see here that there is no chord by which we can find out the angles A and B. But now imagine this chord. Now, if this is a chord, this blue line is a chord. This blue line is a chord. You can see here. This one is the question. Now imagine the chord. If this blue line is chord, what does it mean? It means that if this angle is 28, then this angle will also be 28 because they are subtended by the same chord. I hope the concept is clear. So angle B will be of 28. Now imagine the second chord. Angle A will be of 44 because you can see here that they are subtended. This angle is subtended by the same chord. You see 44 degrees are. I hope the concept is clear. So now, very often the exam tries to confuse you by drawing in the chord. So CIS के पेपर में ये बहुत कम होता है कि आपको chord इस तरीके से draw करके question इस form में और कहा जाए कि find A and B. Usually they do not draw the chords. You have to see the angles on the same chord for yourself. ठीक है? So आपने अपने angles को imagine करना है और उसके बाद अपनी कॉर्ड को इमेजिन करना है और उसके बाद अपने एंगल्स को फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड प्रॉपर्टी एंगल एट द सेंटर। कंसीडर द टू एंगल्स व्हिच स्टैंड्स ऑन द सेम कॉर्ड। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेम कॉर्ड। नाउ व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। It is half the angles at the center. You can see here that if the the chord is making an angle of 88 degrees, so angle at the circumference will be of 44 degrees. It will be the half of the angle at the center. Now what we can say, what we can conclude from this, that if two angles stands on the same chord, then the angle at the center is twice the angle at the circumference. बात different है, अगर आपको ये angle given हो, तो if this angle is given to you, so आप angle at the center calculate कर सकते हैं by multiplying it. ठीक है? और अगर आपको center का angle given हो, तो आप circumference के साथ circumference के ऊपर इस angle को find out कर सकते हैं.
नाउ लेट्स सी दिस वन. इसमें एक बात याद रखिए कि इट विल रिमेन ट्रू व्हेन वी मूव द एपेक्स ए अराउंड द सर्कमफेरेंस इन द सेम सेगमेंट. उसी सेगमेंट के जैसे प्रीवियस एग्जांपल के में वी हैव डिस्कस कि आपके इस कॉर्ड के साथ लेट्स सी इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट आई होप दैट इट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. Now you can see we have discussed that this was the first property that 44 degrees is pure segment ke andar it will not be changed. So if two angles stand on the same chord then the angle at the center is twice the angle at the circumference. Now the next thing is the angle in the on the other side. So what you have to do, first of all you can easily find out the outer angle. Now outer angle you can see here the reflex angle at the center is twice the angle at the circumference too. Now what does it mean? It means ke aapke paas ye outer angle find kar sakte hain agar aapke ye angle given ho 44 degrees तो आप सेंटर के साथ एंगल फाइंड कर सकते हैं. और अगर सेंटर के साथ एंगल गिवन हो फाइंड कर सकते हैं तो आप ये आउटर एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह फाइंड आउट करेंगे? यू हैव टू सिंपली सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360 डिग्रीज बिकॉज सर्कल के अंदर 360 कंप्लीट एंगल 360 होगा. एंड इफ यू रिमूव इट 360 माइनस 88 इट विल बी 272 डिग्रीज. ठीक है. और इसका हाफ जो है वो ये एंगल होगा 136 डिग्रीज. ठीक है. इज इट क्लियर ना? आई होप दैट इट इज क्लियर. सो नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड कि ये एंगल लेट्स से मैं इसको एक्सटेंड फर्दर नहीं कर रहा ताकि आपको पिक्चर क्लियर रहे. ये एंगल अगर 44 है तो इसका डबल होगा 44 डिग्रीज था तो इसका डबल होगा ये वन. और इसका आउटर आप फाइंड आउट करके इसका डबल होगा इसका हाफ होगा ये वाला. इन अदर वर्ड्स कि इसका हाफ जो है वो एंगल होगा सर्कमफेरेंस के ऊपर और इसका हाफ जो है वो अपोजिट सेगमेंट के अंदर होगा. नाउ लेट्स सी एन स्पेशल केस हियर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग that diameter is a chord or not. So diameter is a chord because as we have discussed that chord is a straight line which connects by the circumference. So diameter is also a special case of chord in which the line or the chord passes through the center. When the angle stands on the diameter, what is the size of angle A? Now remember one thing that it will make an angle of 90 degree. So it will not be affected. अगर आप इसको दूसरी साइड कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे देखें, लेट्स से यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं एट दिस पॉइंट, सो यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री. सो चाहे अगर ये पॉइंट यहाँ पे भी हो so this angle will be of 90 degree. ठीक है. I hope the concept is clear. So the angle in a semicircle is a right angle. The angle in a semicircle is a right angle. Now let's discuss the cyclic quadrilateral. So what about this one? This is a cyclic quadrilateral. Now how we can define that it is a quadrilateral whose vertices lies on the circumference of a circle. First of all, cyclic quadrilateral ka matlab kya hai? The quadrilateral inside the circle. Cyclic quadrilateral is a quadrilateral inside the circle. Now note down one thing that the vertices of that quadrilateral should be on the circumference of a circle. Now the third property is that opposite angles in a cyclic quadrilateral add up to 180 degrees.
So they are supplementary. You can see here that if first angle is of 60 degree, the next one will be of 120 degrees. So you can see here again, if one angle is of 40 degrees, the opposite angle will be of 140 degrees. Similarly, you can see here again that as you can say, see that this line, this is a diameter, this line is a diameter, that is where the opposite sum of opposite angle will be of 180 degree. So opposite angles in a cyclic quadrilateral add up to 180 degree. Agar aapko ek bhi find given ho, aap second find kar sakte hain. Now you can see the question here that you have to find out angle alpha and angle beta or angle A or B. So now what you have to do? First of all, you can easily find out. Now angle alpha, as you can see that this chord is passing through the center, that is why this angle will be of 90 degrees. So this angle will be of 90 degrees. Ye hum property discuss kar chuke hain ki as the chord is passing through the center, that is why this angle will be of 90 degree. Aur ye bhi hame pata hai ki this is a cyclic quadrilateral. So that is why if we add alpha and 63, it will be equals to 180 degrees. So alpha will be of 117 degrees. Now what about beta? Beta mein you have to simply add all these three angles. So the sum of the angles will be of 180 degrees. So we can easily find out beta. So beta will be of 27 degrees. Now what about this example? Now this example mein, let's assume an imaginary chord. Let's say this one is the chord. Now n will be equals to 49 because they are subtended by the same chord. So you can see here that these two angles 49 degrees and n are subtended by the same chord, that is why it will be same. So n equals to 49 degrees. Now as we have discussed ki jo bhi angle yahan pe hoga wo iske sath kya hoga, iska double hoga m. So m will be equals to 98 degrees. I hope the concept is clear. Now what about this one? Let's assume an imaginary chord, this one. So now you can see here that k will be equals to the double of the original angle. So k equals to 98 degrees. Let's see the cyclic quadrilateral. Is it a cyclic quadrilateral? No, it is not a cyclic quadrilateral. Now you can see here that it is not a cyclic quadrilateral because we have discussed that cyclic quadrilateral ke jo vertices honge wo circumference pe lie karenge, but this point, this vertex is not on the circumference, that is why this one is not a cyclic quadrilateral. So now what we have to do, we have to simply find out this k equals to 98 degrees. Now k equals to 98 degrees, so it means the outer angle will be equals to 360 minus 98 degrees. 360 minus 98 degrees. So it will be equals to 362 degrees. So it will be equals to 362 degrees. So now the outer angle is of 362 degrees. Now as we have discussed that this is a chord, so the opposite angle will be the half of 362 degrees. So it means J will be equals to 362 divided by, sorry, it will be 262, sorry, I'm sorry,
it will be 262 degrees. So 262 degrees divided by 2. So if you divide it, the final answer will be of 131. So J equals to 131 degrees. Now what about this one? Now this one is a very tricky question, that S, you have to find out the S, angle S. Now what about the important key point is that if you try to find out the value of K, then you can easily find out this S. Because अगर आप k find कर लें तो आप s easily find कर सकते हैं, because s will be the half of k. So but problem यहाँ पे ये है कि ना आपको s पता है, ना आपको k पता है, ना आपको इसका positive side पता है, इस ये side पता है आपको और बाकी कुछ नहीं पता आपको. So यहाँ पे हम maths का ये circle का बिल्कुल basic way use करेंगे, और वो ये है कि circumference से center point तक, सर्कमफेरेंस से सेंटर पॉइंट तक, जिस सेंटर इज ओ और ये पॉइंट आपको सर्कमफेरेंस के ऊपर है, ये पॉइंट भी आपके पास सर्कमफेरेंस के ऊपर है. सो ये जो डिस्टेंस है ये सेम है होगा. सो बेसिकली इट इज अ रेडियस. सो इट मींस दैट दीज टू साइड्स आर सेम. सो दीज टू साइड्स आर सेम. सो इफ दीज टू साइड्स आर सेम आइसोसेलिस ट्रायंगल, so it means that the opposite angle will be same. So opposite angle, so this angle will be of 46 degrees. So if this angle is of 46 degrees, now let's see the isosceles triangle and the property of isosceles triangle, that the angles opposite to the same sides will be the same. So it means that this angle will be of 46 degrees. So now we can easily find out the value of K, because if we add sum of all the angles in a triangle will be equals to 180 degrees. So if we simplify it, it will be K will be equals to of 88 degrees. So as we have discussed earlier, that S will be the half of K. So it will be of 44 degrees. Now what about this one? हेयर अगर आपको k फाइंड करने का कहा जाए तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं. सो k विल बी इक्वल्स टू सम अपोजिट एंगल्स का सम जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्रीज का होता है. तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. बट हेयर कुड यू डिफाइन अ रूल फॉर दिस सिचुएशन. नाउ लेट्स सी द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट k प्लस 104 इक्वल्स टू 180 डिग्री. द सम ऑफ द अपोजिट एंगल विल बी ऑफ 180 degrees. So if we simplify it, K will be equals to 76 degrees. Now as we can see, if we add K plus P, it will be equals to 180 degrees, because it lies on the same line. So if we simplify it, K will be equals to 104 degrees. So I hope the concept is clear. So here we can define a rule. So from here we can define a rule that this angle will always be equals to this one. Okay, so it we can define this rule, we can suggest this rule that 104 or opposite angle will always be equals to the outer angle of this one. Now what about tangent? When a tangent to a circle is drawn, the angles inside and outside the circle have several properties. Now the first one is, a tangent is perpendicular to the radius of a circle. So अब आप it doesn't matter कि you are drawing it on any part of the circumference, but remember one thing, that tangent will always, tangent क्या था कि जो circle को एक point पे cut करे, so it will always be
perpendicular to the radius of a circle. Now let's discuss two tangents from a point outside the circle. Now you can see here that tangents are equal. Second one, PA equals to PB, it means its tangents will be same. ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट से हम देखेंगे. द सेकेंड वन इज पी ओ बाइसेक्ट एंगल ए पी बी. ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन सेंटर तक ड्रॉ करेंगे, इट विल ऑलवेज बाइसेक्ट एंगल ए पी बी. सो इट मीन्स दैट एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ. द थर्ड वन इज एज वी हैव डिस्कस दैट इट वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ. It will be equals to 90 degrees. Now the last one is AO equals to BO or radii, because it is a radius. It's obvious that any point from the center of a circle will equals to the radius. So the two triangles APO and BPO are congruent. Congruent means same. Alternate segment theorem. Now, angle between a tangent and a chord is equal to any angle in the alternate segment. Now, you can see here that 39 degrees will always be equals to this one. A tangent or chord ke darmiyan hum angle dekh rahe hain. So, you can see here, you have to imagine this one, that this is a chord and this is a tangent line. So, we are discussing the angle between a tangent and a chord is equal to any angle in the alternate segment. So now you can see that angle between tangent and chord, here it is 39 degrees and this one is the alternate segment. So you can see here that this 57 degrees will be equals to 57 degrees this side pe, aur yahan pe 39 degrees will be equals to 39 degrees. So aap ye dekhenge chord ka jo angle hai wo kis tarah find out kar rahe hain. The angle between chord and the tangent is equal to any angle in the alternate segment. So we can say that the angle between a tangent and a chord is equal to any angle in the alternate. Alternate means opposite segment. I hope the concept is clear. So, at the end of each lesson, each video, you must ask few questions from yourself that what you have learned today. Today we have discussed the circle and the properties of circle, and then we have discussed the angles of a circle and cyclic quadrilateral, and at the end we have discussed few questions related to the angles and cyclic quadrilateral of a circle. So if you have any question, you can ask it in the comment section. Hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question, please do ask in the comment section. And if you have any query about or any topic 4024 mathematics 4024, अगर कोई भी कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक आप समझते हैं कि इसको डिस्कस होना चाहिए, तो प्लीज़ डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. अदरवाइज प्लीज़ डू शेयर द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि क्या क्या इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें इम्प्रूव करवानी है, या जो भी आपका फीडबैक है. So thank you.